कराटे में आज हम ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक सीखेंगे। उसके पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, देन स्पेसिफिक एक्सरसाइज करनी है। स्पेसिफिक एक्सरसाइज में आज हम अलग टाइप के पुशअप्स सीखेंगे। ये पुशअप्स करते टाइम आपको थोड़ा लेग की एक्सरसाइज भी करनी है, तो ये ऊपर और नीचे साइड में ऐसे थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज में आप ये एक्सरसाइज ऐड कीजिए। दोनों पैर से ये एक्सरसाइज होने के बाद फिर आप वज्रासन में बैठिए। बैलेंस करना है, स्ट्रेट देखना है। अभी आगे ये एक पुशअप होने के बाद आपको जो आपका राइट लेग है उसे हाथ के लाइन तक लाना है, फिर अपनी जगह पे जाएगा, फिर पुशअप करना है, फिर लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड के लाइन तक आना है, लाना है फिर जगह पे। तो इस तरह से आपको राइट, जब आप लेग मूवमेंट करते हो तो आपको बॉडी मूव नहीं करनी है, बॉडी एज इट इज रहनी चाहिए। पुशअप राइट लेग राइट हैंड के साइड में पुशअप करके लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। जब आप ये लेग शिफ्ट करते हो तो उसे बेंड नहीं करना है, उसे एज इट इज स्ट्रेट ही लेके जाना है। मैं एक बार फिर से करके दिखा रहा हूं। बैलेंस किया है, पुशअप करने के बाद सीधा, फिर पुशअप, देन लेफ्ट लेग लेफ्ट हैंड। ये करते टाइम आप सामने ही देखना है इस तरह से, ये जब अलग अलग मैं आपको पुशअप दिखा रहा हूं, इसका बेनिफिट क्या है? पुशअप तो हाथ से करते हैं तो लेग मूवमेंट क्यों? तो ये आपके माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करता है। जब आप ज्यादा देर पुशअप करोगे आपके हाथ में दर्द होगा, शोल्डर में पेन होगा, तो वो पेन भूलने के लिए आपको बीच में लेग मूवमेंट करनी है। पुशअप करो फिर लेग मूवमेंट करो, तो ये करने से आप मैक्सिमम पुशअप कर पाओगे। इसलिए इस टाइप के पुशअप जो है वो करने के लिए बोलते हैं। तो अभी हमने देखा स्पेसिफिक एक्सरसाइज में एक अलग टाइप के पुशअप्स। फिर हम करेंगे फर्स्ट टेक्निक का रिवीजन। मैं थोड़ा क्रॉस रुक के आपको टेक्निक दिखाऊंगा। फर्स्ट टेक्निक है याद हो जाए। सेकेंड टेक्निक है, फिर से करेंगे। सेकेंड टेक्निक लास्ट टाइम। अब हम सीखेंगे ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक। फोर्थ टेक्निक
देखो पहले राइट लेग बैक बेसिक स्टांस, ज्यादातर टेक्निक में लेफ्ट लेग आपका मूव नहीं है, जगह भी रखना है। राइट लेग बैक बेसिक स्टांस, लेफ्ट हैंड सेंटर ब्लॉक, ऑन द वे ब्रेक, ऑन द वे ब्रेक करते रहें। जैसे ही आप आगे आओगे इस तरह से हाथ ओपन करना है एंड फेस ब्लॉक। तो ये मूवमेंट यहां तक फिर से देखना है। ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक, ब्लॉक ऑन द वे ब्रेक, या ऑन द वे ब्रेक कैसे किया मैंने, जैसे ही मेरा पैर आगे आ रहा है उसी टाइम आपका लेफ्ट हैंड जो है ऊपर, और उसे ओपन करना है होल्ड एंड ब्रेक, यहाँ साउंड देना है किया, राइट। फिर से लिखेंगे ये दो मूवमेंट, ये दो मूवमेंट हो गए। अभी यहां से राइट लेग को पीछे लेना है, बैक स्टांस में डाल के नाइफ एंड ब्लॉक करना है। ओके, फिर से देखो, ऑरेंज बेल्ट फोर्थ टेक्निक, सेंटर ब्लॉक और मुझे ब्रेक, फिर पीछे आके नाइफ एंड ब्लॉक, राइट। यहां तक करना है, तीन मूवमेंट हो गए हैं। देखिए सेंटर ब्लॉक ऑन द वे ब्रेक, राइट लेग बैक लेके नाइफ एंड ब्लॉक है बैक स्टांस में, ये तीन मूवमेंट हो गए हैं। अभी इसके आगे क्या करना है, यहां से राइट लेग फॉरवर्ड लेके पंच करना है बेसिक स्टांस में, राइट लेग फॉरवर्ड बेसिक स्टांस आना चाहिए, ये फोर्थ मूवमेंट है। यहां तक फिर से देखेंगे, यहां से फोर्थ टेक्निक, वन सेंटर ब्लॉक, टू को ऑन द वे ब्रेक विथ किया, थ्री राइट लेग बैक नाइफ एंड ब्लॉक, बैक स्टांस है, यहां से बेसिक स्टांस लेना है राइट लेग फॉरवर्ड एंड पंच करना है। पंच के बाद यहीं से आपको राइट लेग फेस लेवल मामाशिगिरी करके फुडासुकी करना है। फुडासुकी देखो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पूरा फिस्ट ट्विस्ट करके नोज पे बेसिक स्टांस विथ राइट, यहाँ ऑल्टरनेट आ गया है, राइट का बेसिक स्टांस है आगे एंड लेफ्ट हैंड का अटैक विथ साउंड। तो ये है ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक, हम फिर से करेंगे, राइट लेग बैक बेसिक स्टांस, ऑन द वे ब्रेक विद किया, राइट लेग बैक नाइफ एंड ब्लॉक विद बैक स्टांस, राइट लेग फॉरवर्ड बेसिक स्टांस विद राइट हैंड पंच, राइट लेग वहीं से फेस लेवल मामाशिगिरी बेसिक स्टांस करके लेफ्ट हैंड फुडासुकी विद किया। ये फोर्थ टेक्निक है, हम फिर से देखेंगे, फोर्थ टेक्निक ऑरेंज बेल्ट स्टार्ट, ये काउंटरवाइज हुआ, हम फोर्थ टेक्निक फिर से करेंगे, ऑरेंज बेल्ट फोर्थ टेक्निक स्टार्ट, ऑरेंज बेल्ट फोर्थ टेक्निक अगेन स्टार्ट, लास्ट टाइम ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक करेंगे, ऑरेंज बेल्ट का फोर्थ टेक्निक करना है। थैंक यू वेरी मच।